खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तीन पानी से लेकर मोटा हल्दू तक आज एनएच की सड़कों का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि सबसे पहले कमिश्नर दीपक रावत तीन पानी के पास एनएच के ओवरब्रिज की तरफ गए, जहां पर बरसात के दिनों में लगातार लोगों के घरों में जलभराव की स्थिति हो रही है। इसके चलते वह लोग काफी परेशान हो रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ही जलभराव की समस्या से कुमाऊं कमिश्नर को अवगत कराया गया। इसके तहत ही कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति हो रही है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। इसको लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निरीक्षण किया, माननीय विधायक जी ने भी कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाए हैं, काफी दिनों से दिखवाना चाह रहे थे। तो एक तो जो आरओबी बन रहा है एनएच का, उसमें ये इशू है कि आरओबी बनने से अब क्योंकि बहुत सारा पानी एक जगह पे आ रहा है, जिससे लोगों ने बताया कि वो जल की निकासी नहीं हो पा रही। तो उसमें दो तीन स्ट्रेटेजी पे हम काम कर रहे हैं। एक तो जल निगम से हम कहेंगे कि वहाँ पे जहाँ जहाँ सम्प्स बनाने की अगर अवेलेबिलिटी है, सम्प बनाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो वहाँ पे सम्प्स बना के इस पानी को हम निकाल दें। दूसरा हम ये देखेंगे कि उस पानी को जो जमा हो रहा है दूर कहीं निकाला जा सकता है, इसके लिए एक सर्वे हम इरिगेशन से करवा देंगे और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रेनेज प्लांट भी बना देंगे कि इवेंचुअली ये पानी कहीं पे निकले। कुछ मसले इस बात के थे कि पूर्व में जो एनएच ने लैंड एक्वायर करी है उसमें जहाँ पे एक्वायर हुआ था, इनका कहना है एनएच का कि वहाँ पे निर्माण कुछ हो गए हैं और कुछ लोगों को स्ट्रक्चर का मुआवजा नहीं मिला है। उस स्ट्रक्चर का मुआवजा आपको मिल जाएगा, एनएच की जहाँ तक लैंड सुरक्षा के अनुसार उनको दे दी जाएगी। तीसरा मसला ये है कि पूर्व में जब ये प्रस्ताव एनएच का बना था 2008 में, तो बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ आबादी नहीं थी, तो बहुत क्षेत्रों में ड्रेनेज का प्रोविजन नहीं हो पाया क्योंकि आबादी के अनुसार जो मानक होने चाहिए थे वो तब नहीं थे। क्योंकि अब आबादी है तो कुछ इलाकों में संशोधित प्रस्ताव बना के उसको भेज दिया गया है और वहां पे ड्रेनेज का उचित जो इंतजाम है वो किया जाए। सर, उसका